स्वागत है आपका ऑटोटेक अपडेट्स में। आज हम ऐसे एक पार्ट के बारे में जानने वाले हैं जो कि BS6 इंजन में लगता है और एग्जॉस्ट गैसेस को रेगुलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन में देख रहे हो उसको बोलते हैं ETV। ETV यानी एग्जॉस्ट रोटल वाल्व। इसका काम होता है एग्जॉस्ट गैसेस को रेगुलेट करना। एग्जॉस्ट गैसेस यानी जो धुआं इंजन से बाहर निकलता है उसको रेगुलेट करता है, उसको संतुलन करना। चलिए जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये है बटरफ्लाई वाल्व। इसको थ्रोटल कहा गया है क्योंकि इसको एक बटरफ्लाई वाल्व होता है जो कि एग्जॉस्ट गैसेस को रेगुलेट करता है, यानी कि ऐसे ओपन और क्लोज होता है। ये क्लोज पोजिशन में है, ये ओपन पोजिशन में। ये ऐसा होता है, एक मोटर की मदद से ये ओपन क्लोज होता है और एग्जॉस्ट गैसेस को रेगुलेट करता है, यानी कि पूरा भार फेंकने का या आधा भार फेंकने का पूरा गैसेस को बंद करने का। ये इसकी स्प्रिंग और यहाँ पे लगा होता है मोटर जो कंट्रोल होता है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से। ये है वायरिंग जो ECU में जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में कनेक्ट हो जाती है वायरिंग हार्नेस के थ्रू। और ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिसके अंदर सर्किट होता है जो रेगुलेट करता है, इस मोटर को सिग्नल देता है और उस मोटर सिग्नल के द्वारा इस बटरफ्लाई वाल्व को ओपन या क्लोज करता है। एक बार इस पार्ट को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं आगे पीछे। ये देखो, ये कुछ पार्ट इस तरह से दिखता है। यहाँ पे उसका नंबर होता है, सीरियल नंबर वगैरह। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, आइए जानते हैं ETV के फंक्शंस के बारे में। ये गाड़ी में इंजन में क्यों लगाया गया है। BS6 के गाड़ी में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए साइलेंसर में मॉडिफिकेशन किया है, उसको हम बोलते हैं ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। के मदद से गाड़ी में से जो हानिकारक गैसेस निकलते हैं उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स किए गए हैं। बहुत हानिकारक गैसेस को कंट्रोल किया गया है, बहुत सारे रेसिड्यू को या हाइड्रोकार्बन्स कार्बन मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसको रिड्यूस किया गया है। पर्टिकुलेट मैटर या सूट जो रहता है वो जाके ATS में कलेक्ट होता है या उसमें भर जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली हमको रीजनरेट करना पड़ता है। मतलब ऑटोमेटिकली उसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है, जला के साइलेंसर थ्रू हवा के प्रेशर से बाहर मारना पड़ता है। इसके लिए हमको चाहिए रहता है बहुत सारी हीट। ये हीट हमको उपलब्ध होती है इंजन की हीट से, और इस इंजन की हीट को रेगुलेट करने के लिए हम ETV का इस्तेमाल करते हैं। जो ETV जो रहता है वो बंद और ओपन होने से इस हीट को रेगुलेट करता है। जितनी जहाँ पे ऑटोमेटिक रीजनरेशन होना है या मैनुअल रीजनरेशन करनी है गाड़ी में, तो ये ETV जो है उस मात्रा में हीट को साइलेंसर में भेज देता है, उसके लिए इस ETV का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस ETV में कुछ इलेक्ट्रिकल खराबी आ गई तो आपको इनलाइन टूल की मदद से आपको फॉल्ट कोड दिखाई देगा। अगर ETV का फॉल्ट कोड है तो आपको ETV तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी में पुअर पिकअप का इशू आ जाएगा।